हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल बायोनीट 1.0। तो आज मैं किसी चैप्टर को डिस्कस करने वाली नहीं हूँ। आज मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ वो है एक क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक क्वेश्चन जो कि है स्टेटमेंट बेस्ड, जैसे कि दो स्टेटमेंट इसमें गिवन है और इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको चूज करना है इसमें से कौन सा सही है। जैसे तो पहला स्टेटमेंट अगर हम रीड करें तो पहला स्टेटमेंट है, इमिग्रेशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज कमिंग इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। इमिग्रेशन, जैसे कि आप सबको पता है कि मतलब एंटर करना किसी एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कोई भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का एंटर करना। सेकेंड स्टेटमेंट है, मोर्टेलिटी इज द नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। मतलब कि एक पॉपुलेशन है उसमें नंबर ऑफ डेथ कितनी हो रही है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। अब उसी के बेसिस पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको चूज करना है कि जैसे पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट वन एंड टू बोथ आर इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, टू इज इनकरेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, फोर्थ स्टेटमेंट वन एंड टू बोथ आर इनकरेक्ट। तो आपको बताना है, अगर आप फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, एकदम करेक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हम पहले देखेंगे तो हमें दोनों सही लगेंगे। ये इसमें क्या है कि जो इमिग्रेशन की अगर आपने डेफिनेशन एनसीईआरटी में पढ़ी हो तो आपको पता चलेगा कि इमिग्रेशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज, नॉट डिफरेंट स्पीशीज। इसमें क्या दे रखा है, डिफरेंट दे रखा है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा गलत। लेकिन मोर्टेलिटी की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे एकदम करेक्ट दे रखी है। मोर्टेलिटी का मतलब यही होता है कि नंबर ऑफ डेथ्स इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। तो इसमें क्या हो गया, स्टेटमेंट वन जो हो गया हमारा इनकरेक्ट हो गया और स्टेटमेंट टू जो हो गया वो इनकरेक्ट हो गया, और उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो गया थर्ड। इसी में गिवन है कि स्टेटमेंट वन जो है इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट टू जो है वो करेक्ट है। अभी देखो क्या होता है इस तरीके के क्वेश्चन में, कि जैसे जब आप पढ़ते हो ना तो आपको दोनों स्टेटमेंट सही लगते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये एक पॉइंट बताना चाहूंगी कि आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से रीड करनी है ताकि आपको पता चले कि किसी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में जो एक वर्ड गलत दे रखा है वो क्या गलत दे रखा है। तो आपको एनसीईआरटी बहुत थोरली पढ़नी है और फिर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर करने हैं और वो फिर सही भी होंगे।